क्या चाहिए इस मोर ध्वज से, भेद नहीं मन का भोला, पत्थर की लकीर समझ लो, तीन वचन भरे के बोला, पत्थर की लकीर समझ लो। और महाराज आप वचनबद्ध हो गए हो, आपने तीन वचन दे दिए और आपने सोचा नहीं। साधु महाराज मैं अभी वध नहीं हुआ हूं, मैंने तीन वचन दिए जरूर हैं, पर लेकिन तीन वचनों में आपने मांगा नहीं है अभी तक। वो तो हम कुछ भी मांग सकते हैं, हम मांगोगे जरूर। अगर आप अपने वचनों से हारना चाहते हो तो आपके राज से बाहर हो जाते हैं राजन। हे साधु महाराज, आपने मुझसे तीन वचन लेकर के, और आप आपको यह भी पता है कि मेरा इकलौता संतान, आप उसका भोजन शेर के लिए करवाना चाहते हैं साधु महाराज? बिल्कुल करवाना चाहता हूँ। नहीं साधु महाराज, ऐसा ही होगा राजन। आप सच सच ये बता दीजिए कि आप हो कौन? हम तो साधु हैं। नहीं साधु नहीं हूँ महाराज। और आपसे वचन लिए हैं, अपने वचनों को पालन कीजिए। शेर के लिए मांस बकरे का भी मंगा सकता हूँ, मुर्गे का भी मंगा सकता हूँ, कोई भी जीव जंतु का मांस आपके शेर के लिए मैं कर दूंगा, मेरे अपने इकलौते बेटे के। समझ में नहीं आई? मेरी समझ में आ रही है। साथियों, कवि का पता नहीं होता कलम कहाँ चल जाती है, इसमें बड़ा एक अहम तोड़ है। आपने सुना, दे छोड़ चिड़ी पे बाज, मतलब चिड़िया पे बाज, या जो ही खंदा दे भूखा से कई रोज का। इस प्रकार से धर्म की बात थी, वचनों में बंध जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आपसे मैं विनती करता हूं कि मेरी जो रानी है मैं उसका भी अधिकार है, उससे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बेटे को तीन रोज शादी को हुए हैं और घर में ब्याली बैठी है। इस प्रकार से विनती करता है संतों के सामने राजा, और किस तरह से राजा से अपनी दूसरी शरत के लिए क्या साधु कहते हैं भाई, सबकी समझ में आ रही हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दें। अरे धर्म की बात है, आइए किस प्रकार से छोटे भाई क्या लिखा। छोटे भाई टीटू तवर जी, जी हाँ छोटे भाई टीटू तवर जी भिवाड़ी से, जिनकी तरफ से 501 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के दिए हैं, सम्मान किया है कलाकारों का। टीटू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। महाराज मैं वचन हार भी नहीं हो सकता। अच्छा, और आपने मुझे इस तरीके से वचनों में बांध लिया है महाराज, आप हाथ जुड़वाइए, कुछ और चीज मांग लीजिए महाराज मेरे बेटे को। बिल्कुल नहीं महाराज, मेरा इकलौता लाल है महाराज। राजन आपसे तीन वचन लिए हैं और वचनों को तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो महाराज, हे साधु संत, आप यहाँ पर बैठिए, मैं अपनी रानी से सलाह करके आता हूँ, इतने तक आप यहीं पर रहिए, जाइए मत, अभी मत जाइए।